शांति है, राहुल गांधी शेर है, बाबा शेर है, और उस शेर को बंद करना कोई मजाक। घूम का बड़ा बड़ा ये भी अपने बच्चों के बीच में जाए, ऐसी पार्टी को बनाना दूर रहा। केवल और केवल आप करना चाहते हो तो केवल जनता को भयभीत करके शासन करना चाहते हो। मैं तो कहता हूँ पुलिस की ड्यूटी 12 घंटे की होनी चाहिए, हमें तमाम छुट्टी करनी चाहिए। रात को किसान की ड्यूटी और दिन में अपने बच्चों के बीच में जाए तो कम से कार्यकर्ता भर देगा। हमारे बीच में धूमर सिंह जी, हमारे साथी, जिस तरीके से आज राहुल गांधी को टॉर्चर करने का काम हो रहा है, वो घबराने वाला नहीं, वो शेर है, बाबा शेर है, वो बाबा शेर जिसके परिवार ने पूरे देश के लिए अपनी दादी की कुर्बानी देखी है, आंखों से अपने पिता की अच्छा होते देखी है, हर घर राहुल गांधी जी का घर, हर घर राहुल गांधी का घर, हर घर राहुल गांधी, हर घर राहुल गांधी, हर घर राहुल गांधी, हर घर राहुल गांधी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। रोजे रमजान चल रहे हैं, घर पे बैठिए, क्यों धूप में घूम रहे हैं? राहुल गांधी जी सड़क पे हैं, राहुल गांधी जी के साथ अन्याय हो रहा है, घोर अपमान हो रहा है, और आप हमें कहते हैं घर पे बैठ जाए। अरे रमजान तो क्या 30 रोजे एक साल तक अगर हो जाए तब भी राहुल गांधी जी के साथ पूरा देश साथ है, हर जनता साथ है, घर घर हर घर राहुल गांधी जी का साथ है। राहुल गांधी जी का अपमान मत करो, उसका सम्मान करो। देश के भविष्य हैं, देश के राजनेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, होने वाले प्रधानमंत्री हैं राहुल गांधी जी। हम मांग करते हैं आपके चैनल से कि राहुल गांधी के साथ जो किया गया है वो वापस ले। मेरा घर राहुल गांधी, मेरा घर राहुल गांधी, मेरा घर राहुल गांधी, मेरा घर राहुल गांधी, हर घर राहुल गांधी, मेरा घर। आपने देखा जो न्यायपालिका ने जिस तरीके का एक आदेश पारित किया वो न्याय संगत नहीं है, ऐसा हम महसूस करते हैं। हम अवमानना की बात नहीं, हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। जिस तरीके से उनकी सदस्यता को सदन को खत्म किया गया इतनी शीघ्रता के साथ त्वरित रूप से, या जिस तरीके से उनको घर खाली करने का मकान दिया गया, उसको लेकर हर कांग्रेस जन आहत है। और वो राहुल गांधी जी को ये आश्वस्त करना चाह रहा है कि वो बेघर नहीं है, हर घर घर कांग्रेसी का घर, विवेक बंसल का घर कांग्रेस उनका है, बॉबी वसी का घर है, असलम कुरैशी जी का है, वहाबुद्दीन साहब का घर राहुल गांधी का घर है, भाई साजिद का घर उनका राहुल गांधी जी का घर है, भाई हमारे डूंगर सिंह जी का घर राहुल गांधी जी का घर है, और तमाम बाबू सब लोग जो हैं, विजेंद्र बघेल हमारे सभासद उनका घर राहुल गांधी। ये बताइए विवेक जी, ये जिस तरीके से खबरें आ रही है कल राहुल जी वहाँ अपील में जा सकते हैं, क्या लगता है आप? देखिए वो फैसला वो करेंगे, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं वो शीर्ष नेतृत्व। अच्छा भारतीय जनता पार्टी जारी कहा है कि 64 खरब से ज्यादा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया, वीडियो जारी किया, वो तो वीडियो अडानी को बताना, वीडियो जारी बताने वाले, वीडियो जारी करने में उनको महारत हासिल है, पारंगत है। जहाँ उनसे अधिनायकवाद और तानाशाही की बात कही जाती है तो फौरन इमरजेंसी की बात उठा देते हैं, आपातकालीन की बात उठा देते हैं, तो ये उनकी कार्यप्रणाली है, अपना दोष छुपाने के लिए दूसरे पे बंदूक डाल देता तो बेस्ट पॉलिटिक्स, बेस्ट डिफेंस राहुल गांधी, विवेक पंसल राहुल गांधी, विवेक पंसल।
पीछे हट जाओ यार थोड़ा सा। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, विवेक बंसल जिंदाबाद, विवेक बंसल जो हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से साजिश के तहत और एक उनकी सदस्यता समाप्त की है और लोकतंत्र की जो हत्या कर रही है जो वर्तमान सरकार है, इस चक्कर में हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? जब तक ये जो अन्याचार और जो अत्याचार हो रहे हैं ये जब तक खत्म नहीं होंगे ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। कांग्रेस सड़कों पर उतरकर और किसी भी तरह से संवैधानिक तरीके से ये प्रोटेस्ट करती रहेगी। अरे